75 सालों में देश में किस तरह से इलाज कराने के तरीके में बदलाव हुआ है और दुनिया का सबसे सस्ता दवाखाना बनने में भारत ने कैसे कामयाबी हासिल की है, इस पर भी विशेष रिपोर्ट। इनोवेशन पर फोकस करने की जरूरत है, जिससे कि R&D को बढ़ाकर न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस और टेक्नोलॉजी की स्मार्ट यूजेस से इस तरह के पेशेंट नीड को टैकल किया जा सके। सभी चैलेंजेस को ध्यान में रखते हुए हमें प्रिपेयर भी रहना होगा, जैसे कि ग्लोबल सप्लाई चेन ठीक होते ही डिमांड बहुत बढ़ जाएगी, इसलिए प्रोडक्शन हमारे पास पर्याप्त होना चाहिए। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट को हर हालत में बढ़ाना होगा।